हेलो एवरीवन, आज फिर से एक नया वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए। आज हम बात करेंगे बाथरूम फिटिंग्स कौनसिल वायरिंग के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं इस बाथरूम की हमने फिटिंग्स करके रखी है। अगर आप एक प्लम्बर या इस प्रकार के काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बने रहिए। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं इस बाथरूम की कटिंग करके फिटिंग करके हमने रखी है। इस बाथरूम की अगर लंबाई बाई चौड़ाई की बात करें तो ये 4x6 का बाथरूम है। इसकी लंबाई ये 6 फुट है और ये जो चौड़ाई है ये 4 फुट की है। इसकी चौड़ाई इधर 4 फुट है। ये जो पाइप देख रहे हैं ये UPVC का 1 इंच का पाइप है। ये 1 इंच का बैंड है और ये जो देख रहे हैं ये जो बुश, यहाँ एक बुश लगाए हैं, ये 1 इंच बाई 1/2 इंच का बुश है। और ये CPVC 1.5 इंच बाई 1 इंच का बुश है, जिससे हम ये जो मिक्सर का एडाप्टर या वाल मिक्सर बीटी जो भी बोलिए इसको हम फिटिंग किए हैं। ये 1.5x का ब्रास एल्बो है। यहाँ सावर का कनेक्शन है और ये जो पाइप देख रहे हैं ये पाइप गीजर के लिए, पानी गीजर का गर्म पानी आने वाला है इस पाइप से। और ये जो बाहर से जो एक ये वाला जो पाइप है वो इनलेट है, गीजर का इनलेट, और ये आउटलेट है। ये इन दोनों में मिक्स होके शावर में गर्म और ठंडे पानी देने लगेगा। इस पर्सन में मेरा गीजर फिटिंग होगा इस जगह पे। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इससे ये जो इससे गीजर का कनेक्शन लेने वाले हैं। और ये सॉकेट यहाँ जो है ये एडजस्ट फैन का कनेक्शन होगा। यहाँ जो सर्कुलर दिया है और ये देख रहे हैं 12 मॉडलर का बोर्ड है। यहाँ पे स्विच रहेगा, यहाँ एक बल्ब रहेगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे बाथरूम की तरफ। जैसे कि इस बाथरूम में देख रहे हैं इस बाथरूम में इस जगह में पैन बैठेगा। जस्ट इसके ऊपर यहाँ फ्लैश लगेगा, यहाँ एंगल को लगेगा और ये फ्लैश के साथ कनेक्शन होने वाला है। यहाँ एक बीप कॉक लगने वाला है, यानी कि नल जिसे बोला जाता है। यहाँ भी एक बीप कॉक लगने वाला है। ये जो पाइप देख रहे हैं ये उधर गया है बाथरूम, ये डायरेक्ट इनलेट है, ये उधर चल गया और ये इधर कनेक्शन हो गया है। ये पूरा 1 इंच का पाइप है। और इस ये जो जगह दिखाई दे रहा है ये जो छेद दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें मेरा टंकी में डायरेक्ट इनलेट का है, इसमें पैन बैठेगा ये। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।